नवादा में पागल हाथी ने जमकर उत्पात मचाते हुए दो लोगों को कुचलकर मार डाला। घटना नारदीगंज और हिसुआ की है। बताया जा रहा है कि हाथी गया से पहुंचा था। इधर घटना के बाद लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने हाथी के उत्पात को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट भी कर दिया है। बिहार का इकलौता आईएसओ से मान्यता प्राप्त भोजपुर का सदर अस्पताल अपनी कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रही। ताज़ा मामला सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर चैम्बर की है, जहां से बीते रविवार की सुबह एक अज्ञात युवक आया और इंजरी रजिस्टर चुरा कर फरार हो गया। रजिस्टर चोरी होने के घंटों बाद स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जानकारी दी गई। वहीं इंजरी रजिस्टर गायब होने से पूरे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। इससे पहले भी इमरजेंसी ओटी से बीपी मशीन, ऑक्सीजन टंकी सहित कई चीज़ें चोरी हुई हैं। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात युवक की पहचान और मामले की छानबीन की जा रही है। जो निकलने वो इंजरी लिखने के लिए डॉक्टर मंगाए थे रजिस्टर, कुछ इंजरी का केस था और जो है उसी के लिए वो मंगाए थे इंजरी, उसमें नोट किया। इसके बाद संडे का दिन था, सिंगल चल रहा था, ओ पी डी बंद थे, अचानक काफ़ी भीड़ लग गई कोरोना जांच करवाने वाले विद्यार्थी का, जिसमें गलती से हो या किसी ने जानबूझकर। वहीं बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित हो गई है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीतामढ़ी में दरोगा और व्यवसायी की हुई हत्या ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। अपने ही दिए और आज सीतामढ़ी में जो उस दिन जो घटना हुई, जांच करने आईजी आ चुके हैं तो व्यापारी को गोली मार दी गई आईजी के सामने। ये लॉ एंड ऑर्डर है। शराब माफिया को रेड मारने गए तो थानेदार को गोली लगी। आज जब आईजी जब सीतामढ़ी में जांच करने गए तो आईजी के सामने व्यापारी को मार दिया गया गोली। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर छिड़ी बहस के बीच से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि होने से समस्या पैदा होती है, लेकिन कानून बनाने से इस समस्या का निदान नहीं होने वाला। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तौर पर सोचना होगा, कानून बनाने से इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने शराबबंदी कानून की सराहना करते हुए कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर खुली चुनौती देते हुए कहा कि कानून बनाने से जनसंख्या पर काबू नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे नेता माननीय श्री, ये क्यों कानून से किसको कौन डरवा रहा है? जब ये अस्पष्ट हो गया पूरे देश में कि जिन इलाकों में, जिन राज्यों में, जिस समुदाय में, जिस धर्म में शिक्षा का स्तर बढ़ जा रहा, वहां खुद ब खुद नियंत्रण हो जा रहा है, और इसको दुनिया ने देखा बिहार में, और इसी की वजह से हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बच्चियों के शिक्षा पर जोर दिया और वो पूरे देश में एक मिसाल बना। बिहार विधानसभा सत्र के पांचवें दिन के समापन के साथ ही मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि पटना में भोपाल के तर्ज पर म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जाएगा। इसके लिए दो जगह चिन्हित किए गए हैं, पहला इको पार्क, दूसरा वीर कुंवर सिंह पार्क। वहीं आरसीपी सिंह के बयान पर कहा कि ये पार्टी का अपना निर्णय है, सदन में इस पर चर्चा होगी। जानकारी है, देखिए यहाँ बिहार में सुशासन का राज है और जहाँ भी क्राइम हो जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा दिलाया जाता है, वैसे क्राइम पूरी दुनिया में चलता है, ये पूरी तरह खत्म होने वाला है। आंकड़ों के साथ तेजस्वी पहुंचे थे सवाल। बिल्कुल, आंकड़ों के साथ आने से निश्चित रूप से बेहतर उपाय मिलेगा, लेकिन आंकड़ों के साथ उन्हें जवाब भी दिया जाता है और बेहतर आंकड़ा का जवाब हमारे। मयारा में चंदा पेट्रोल पंप के पास लूट का विरोध करने पर हथियारबंद अपराधियों ने सीमेंट व्यवसायी के स्टाफ को गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। इसके बाद हथियारबंद अपराधी उसके पास रहे करीब 5 लाख रुपए को लूटकर हथियार लहराते हुए भाग निकले। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।
लोग थे जमालपुर के इधर थे, मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। घटना कहाँ पर हुआ? घटना पर घटना तो इधर हुआ है जमालपुर और झलकू नगर के इधर, झलकू नगर के इधर हुआ। धुन फायर पीला तो नंबर पर पैसा कितना रहे? पैसा जमुई के चकाई में नव निर्मित तालाब में नहाने गई दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। घटना नौवाडी पंचायत के करही गांव की है। तो फिर से आपको बता दें कि जमुई के चकाई में नवनिर्मित तालाब में नहाने गई दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम भी मच गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। और आपको बता दें कि यह घटना जो है वो नवाडीह पंचायत के करही गांव की है।